गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मिनिमाइज टू रीस्टार्ट प्रॉब्लम के बारे में। आपको कोई काम आ जाता है तो आप गेम को इजीली कट कर देते हो, फिर से आप सोचते हो कि हम गेम को वापस से चले जाएं, तो लेकिन वहां पे क्या होता है, जब गेम आप एक बार कट कर देते हो तो आपका गेम शुरू से हो जाता है, फ्री फायर हो या फ्री फायर मैक्स। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मतलब इसको ऑटो बैक की प्रॉब्लम बोल सकते हैं या मिनिमाइज टू रीस्टार्ट की प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना पूरा वीडियो को मिस कर दोगे। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिना किसी बकचोदी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर ट्रिक है, आप लोगों को सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे जैसे जाओगे उसके बाद आप लोगों को अबाउट फोन ढूंढना है। अबाउट फोन पे क्लिक करके उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग डिवाइस में अलग अलग ऑप्शन आएगा, क्योंकि मेरे एमआई का फोन है। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे एमआई वर्जन पे, 3 से 4 बार क्लिक करेंगे, उसके बाद डेवलपर इज ऑलरेडी ओपन इसमें लिख दिया। अब दूसरे ट्रिक की बात करते हैं, हम लोग को सेटिंग में जाके सर्च करना है डेवलपर, DEV सर्च करेंगे, जैसे वैसे ही आ जाएगा क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स, ठीक है। इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे सेटिंग सारी ऑफ होंगी, इन सब को ऑन कर देना है आपको, ठीक है, सारे सेटिंग को ऑन कर देना है आपको। इसके बाद आपको बैक हो जाना है। तीसरा ट्रिक है, अब फ्री फायर को आप क्लिक करे रहो, उसके बाद एफ इन्फो आ जाएगा, इसके बाद एफ इन्फो पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग को देखना है कि बैटरी सेवर कहाँ लिखा है, ठीक है। बैटरी सेवर, यहाँ पे बैटरी सेवर का ऑप्शन आ रहा है, बैटरी सेवर पे आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को दूसरे नंबर वाले पे बैटरी सेवर रिकमेंड, यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक कर देंगे वैसे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो जो मैंने अभी ट्रिक बताया वो अगर आपने ट्रिक को फॉलो किया तो आपकी प्रॉब्लम परमानेंट के लिए सॉल्व हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।